NH2 पर दुर्घटना में लगी टैंकर में आग, मौके पर हुई ड्राइवर की जलकर मौत। यह खबर यूपी के चंदौली से, जहां NH2 पर टैंकर की किसी अन्य वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग लगने पर टैंकर फंसे चालक निकलने की कोशिश की, लेकिन चालक की कैरी में बुरी तरह से फंसने की वजह से निकल नहीं पाया। स्थानीय लोगों के तमाम प्रयास के बाद भी चालक को नहीं निकाला जा सका, जिससे चालक की जलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाकर आवागमन को शुरू किया। आपको बता दें कि NH2 पर टैंकर में लगी आग पर सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पाया तथा स्वयं पुलिस अधीक्षक में पुलिस टीम के मौके पर पहुँच कर चल रहे बचाव राहत कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिए। देखिए चंदौली से ऑल इंडिया न्यूज 24/7 की रिपोर्ट। प्राप्त हुई कि एक ट्रक का रोड एक्सीडेंट की वजह से इसमें आग लग गई है। यह भी पता चला कि ड्राइवर जो है वो संभवतः उसी में फंस गए हैं, तो और उसमें एक्सीडेंट के कारण आग भी लग गई थी ट्रक में। तो जो लोकल्स हैं उनके द्वारा उनकी मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील वगैरह से दबे हुए थे, तो इसलिए उनकी मौके पर मृत्यु, दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा राहत बचाव का कार्य इस समय आपके सामने किया जा रहा है। ट्रैफिक भी क्योंकि ये NH है, इस पर जाम लग गया था, तो वो जाम ट्रैफिक को भी सिंगल लेन करके ईज आउट कराया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई अन्य कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं मौके पर हूँ और साथ में पुलिस स्टाफ और फायर ब्रिगेड से CFO भी है, CO भी है लोकल।